हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूं पूनम और आज है सैटरडे। तो आप लोगों को पता है सैटरडे वाले दिन मेरे घर के काम बहुत धीरे धीरे होते हैं और हम लोग लेट से उठते हैं, तो ब्रेकफास्ट भी देर से बनता है। और आज तो क्या है ना, बेंगलोर में सैटरडे संडे कर्फ्यू लग गया है, तो मार्केट जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी जाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप वेजिटेबल्स की शॉप खुली है, किराना शॉप खुली है, आप वहाँ से वेजिटेबल्स और किराने की शॉप से कुछ भी जो आपको लेना है, दूध वूध वो सब ले सकते हो। बाकी सब बंद है। और डॉक्टर के पास जाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्योंकि ना मैं अभी नीचे गई थी तो दिया और दिया के पापा दोनों गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो मेरे को सोडा चाहिए थी, है ना। थोड़ा सा मैंने चावल का आटा बनाया है खाने के लिए इनके लिए, तो मेरे को सोडा चाहिए। तो मैं नीचे गई देखी तो मैंने सारी शॉप्स बंद है। तो मैंने पूछा भैया से कि सिर्फ आपकी खुली है बाकी बंद क्यों है, क्या है लॉकडाउन लग गया? कहने कर्फ्यू है 2 दिन का, तो यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है। और कल मैंने वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया था, मीन्स कि कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि दिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको जुकाम वगैरह हो रखा था। तो मेरा सारा माइंड ना फिर उसी के पीछे उसी में चला जाता है, दिया में। अगर दिया को कुछ भी होता ना तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो बस फिर मैंने उसको ध्यान रखा। तो अब उसको थोड़ा जुकाम और थोड़ी खांसी कम है, तो अभी वो उसके पापा लेकर गए हैं उसको जान बुझ के बाहर, ताकि उसको थोड़ी धूप भी फील हो शरीर में। तो अभी बस वो ऊपर लेकर जाएंगे, इसको आएंगे कपड़े, मैंने कपड़े वगैरह धोए तो उसको लेकर जाएंगे ऊपर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, मतलब जाना है ऊपर। तो दिया को ले जाएंगे, इस बहाने वो धूप भी खा लेगी, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर धूप खाने के लिए, क्योंकि मेरी भी खांसी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और मेरे को ना अभी थोड़े दिन बाद मीन्स की नेक्स्ट सैटरडे, आज 8 तारीख है ना, नेक्स्ट सैटरडे या फिर नेक्स्ट सैटरडे के 2-3 दिन बाद मुझे वैक्सीन लगेगा सेकेंड डोज। तो उससे पहले मुझे मेरी खांसी ठीक करनी है। थोड़ी बहुत खांसी है, अब आप 20% खांसी अभी भी है आप कह सकते हो 100 में से, तो बस उसको ठीक करना है, फिर मुझे वैक्सीन लगेगा। और डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है मुझे 15 तारीख का, तो मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर के पास 15 तारीख को ना जाके मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास 22 को, मीन्स कि नेक्स्ट सैटरडे को, क्योंकि इस वीक मुझे लगेगा इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगवा के मैं सीधा डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हूँ। और दूसरा मेरे को आपको ये अपडेट देनी थी कि मम्मी ना पहले आ रहे थे फैब वीक, मतलब फैब मंथ में 10, 11, 12 तारीख के आसपास, बट अब हमको क्या फील हो रहा है कि लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा, ट्रेन अगर बंद हो जाएगी, तो मम्मी कह रही है कि मैं फ्लाइट से नहीं आऊंगी, डर लगता है मम्मी को फ्लाइट से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रेनें बंद हो जाएं, हम लोग 10-15 दिन पहले ही मम्मी को बुला लेते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं मम्मी को 10-15 दिन में बुलाने का, टिकट्स आज करवाएंगे हम लोग और मम्मी को बुला लेंगे हम लोग, मतलब मम्मी आ जाएंगे 22-23 तारीख के आसपास तक, मम्मी भी आ जाएंगे यहाँ पे पापा के साथ, क्योंकि कुछ पता नहीं है यहाँ पे केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन के बेंगलोर में केसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है कि ट्रेन वगैरह बंद कर सकते हैं, लॉकडाउन फिर से हो सकता है। तो फिलहाल तो लॉकडाउन हम नहीं कह सकते कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है 2 दिन का, सैटरडे संडे बिल्कुल बाहर जाना बिल्कुल बंद है, कहीं पर भी आप नहीं जा सकते, मॉल्स वगैरह भी बंद है यहाँ पर। तो बस यही है गाइस, फिलहाल मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, अभी सब्जी लाने गए हैं। वैसे मेरे पास ना ग्वार रखी हुई है, हम लोग सिंधियों में ये वाली ग्वार बनाते हैं, तो क्लीन साफ़ नहीं की हुई, इसको साफ़ करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना बनाऊँ। और फिर ये अरबी लेकर आए थे मेरे पास, ऑलरेडी फ्रिज में अरबी पड़ी थी, फिर ये अरबी लेकर आए, मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगती है बनानी ना खानी, बॉइल ना तल के बनाती हूँ तो गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है, वैसे बनाओ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको काटने में हाथ में खुजली हो जाती है, तो मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और थोड़ी बहुत भिंडी रखी हुई है, तो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी सब्जी लेने गए हैं ये, तो लेकर आते हो देखते हैं क्या क्या लेकर आते हो उसमें से, फिर बनाती हूँ। तो चलेगा, एक मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस यहाँ पर सब्जियाँ आ चुकी है मेरी, आलू और गाजर, मटर, प्याज, अंगूर, धनिया, नारियल, जो भी आप देख रहे हो सारी सब्जियाँ आ गई हैं। दिया ये रही, दिया ने ब्रेकफास्ट कर लिया, इसके पापा ने भी कर लिया, अब चाय बन रही है, चाय पिएंगे, फिर ऊपर जाएंगे कपड़े सुखाने, धूप खाने, ठीक है धूप खाने जाना ना,
जाना है नहीं? अभी अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, गद्दा वगैरह नीचे लगाना है। आज कर्फ्यू है ना, बाहर तो कहीं नहीं जा सकते। अब हम लोग घर में बैठो नहीं जा सकते, वैलिड रीजन से कहीं जाना है तो वैलिड रीजन क्या होगा। तो हम लोग वैसे तो आज कहीं जाना भी नहीं था, हम लोग को जाना था नहीं है, बस काम घर के काम है, थोड़े बहुत वो करने हैं, फिर बाद में अभी थोड़ा ऑफिस का काम करूंगा। आप ऑफिस का करोगे, मैं घर के करूंगी। इसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ऐसे अब तो आज तो थोड़ा ठीक लग रही है, मुंह में कल ज्यादा इसको जुकाम था तो आज ठीक लग रही है। दिया आज आपका आपका कोल्ड कैसे है, कम हुआ दिखा, ऐसे ऐसे कर, नहीं है कैसे है, चल फिर इंजेक्शन लगवाने चले क्या इसको, सुई लगाने चलते हैं, कोल्ड है ना तेरे को। तो चलिए गाइस हम लोग चाय पी लेते हैं, मिलते हैं आपसे के बाद। दिया आप कहाँ घूमने जा रहे हो? घूमने जा रही, ट्यूशन जा रही हूँ। ट्यूशन? ट्यूशन जा रही हूँ। घूमने नहीं जा रही। घूमने नहीं जा रही। कल मेरी छुट्टी हो गई थी ना। छुट्टी हो गई। चलो निकालो बैग, निकालो बैग। ये मम्मा का है, इसका अपने ओवन के ऊपर रखा है ना कहीं। क्या में रखा है? क्या क्या मास्क? हाँ इसका मास्क ओवन के ऊपर है। दिया ये नहीं है आपका, चलो आप बैग निकालो, मैं मास्क लगा। मम्मा का मास्क है बेटा, नहीं पहनो, डोंट डू। क्या पढ़ाई करोगे आज, कन्नड़ा या इंग्लिश? टू लेटर ब्लेंडिंग वाले सीखने हैं और स्मॉलर और बिगर वाला सीखना है लेटर, ठीक है? चलो पीना है दूध, आके पीना है तो तुझे पढ़ के आ जाओ, फिर आके ही पीना दूंगा। चलने दिया, बाय से बाय, बाय बाय से बाय, बाय तो बोलो। गाइस दिया आ गई ट्यूशन से और मैंने पूजा वूजा भी कर ली। अभी मैं बनाऊंगी गाजर मटर की सब्जी, तो मटर मैं यहाँ लेकर आई हूँ छिलने के लिए और गाजर मटर की सब्जी बना लूँ। कपड़े भी पड़े हैं वहाँ पे मेरे प्रेस करने वाले, और दिया के पापा कर रहे हैं ऑफिस का काम। दिया इधर आओ, ओ दिया। और आज बाहर है कर्फ्यू, मींस लॉकडाउन है एक तरह का, बस थोड़ी बहुत शॉप्स खुली हैं, ताकि हम लोग कब बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी बाहर लॉकडाउन है, एक तरह से लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है और जाना भी कहीं है नहीं हमको अभी, तो बस घर पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कभी टीवी देख लेते हैं, कभी कुछ, कभी दिया के साथ मस्ती, बस यही है। और ये रहे दिया के पापा, ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। आज का दिन बोरिंग नहीं है, सैटरडे बोर सा नहीं निकला? लेट उठते हैं ना, फिर बाद में सी होता है अपने, लेट उठने की बात थोड़ी होती, काम भी तो बहुत होते सैटरडे वाले दिन, बोरिंग नहीं मतलब काम ज्यादा थे इसलिए मतलब मजा नहीं आया ना। काम करते रोटी खाई, चार बज गए हमको, खाना खाया हमने, देन उसके बाद दिया ट्यूशन चली गई, फिर हमने चाय वगैरह पी बस, फिर टीवी देख, आप मैंने तो मोबाइल चलाया, आपने काम किया, तो बोरिंग सा दिन लग रहा आज बाहर भी ना, जैसे कल चलेंगे घूमने, नहीं कहाँ जाएंगे लॉकडाउन में, कहीं चल लेंगे इधर उधर, नहीं नहीं कहीं नहीं जाएंगे। और बाहर गई ना अभी तुलसी में अगरबत्ती करने, तो बाहर रोड के साइड है वो तुलसी रखी हुई, तो बाहर देखने से ऐसा लगता है जैसे पूरा अंधेरा अंधेरा सा फील होता है, कुछ ही नहीं है गलियों में, सुन्न सी पड़ी है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा है, ज्यादा भी नहीं है। मसा तो ठीक हुआ था, दो साल तक तो झेला कोरोना को, अभी फिर तीसरा साल और झेलो अब इसको, अमरीकों को पता नहीं, दिवाली लेके चला जाता है और होली लेके आ जाती है, समझ में नहीं आता है बीमारी का, है ना। होली आती है तो बीमारी आ जाती है, दिवाली आती है तो चली जाती है, और रैली रैली पॉलिटिकल रैली होती है उनमें नहीं आती बीमारी, उनमें नहीं आती, ये बच्चों के स्कूल खुलते हैं उनमें आ जाती है। हाँ जैसे स्कूल खुलने के दिन आते हैं बस बीमारी आ जाती है। तो चलिए गाइस, और आज
मम्मी और की टिकट्स हो गई हैं, मतलब कि मम्मी अभी 15 दिन के बाद आ जाएंगे, मम्मी पापा दोनों, पापा वापिस चले जाएंगे 2-3 दिन बाद मम्मी को छोड़ के, बट मम्मी रहेंगे मेरी डिलीवरी तक। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा 2-3 दिन के बाद 8वां महीना शुरू होने वाला है, 7th मंथ खत्म हो जाएगा तो 8th मंथ शुरू हो जाएगा। और हमने मम्मी को थोड़ा जल्दी बुला रहे हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है, ट्रेन वगैरह बंद हो जाएगी तो इसलिए मम्मी को जल्दी बुला रहे हैं। और टिकट अभी मैंने आपको बोला था सुबह मॉर्निंग में कि करवाएंगे, तो आज टिकट हो गई है, कन्फर्म भी हो गई है आने की, है ना। ये तो बहुत खुश है क्योंकि इनको जो काम करने पड़ते हैं मेरे वाले वो अब मम्मी आगे करेंगे। और मैं काम चल की बात नहीं होती है, बट आप थक जाते हो ना, क्योंकि ऑफिस का करते हो, फिर घर का करते हो, फिर थक जाते हो, सब्जी लाना, कपड़े सुखा के आना, लेके आना ऊपर जाके छत पे, तो ये सब काम करने से आप थक जाते हो। और आप अपने टाइम पे करते हो, ऐसे नहीं कि आपको जब करना है तब करना है, आपको अपने टाइम पे करना है। तो बस मम्मी आ जाएगी तो वो सुख थोड़ा मेरे को हो जाएगा कि जो ये मीटिंग करने के बाद जाते हैं सुखाने, मम्मी तो अपना फिर जाते कपड़े धुलेंगे चले जाएंगे सुखाने, तो इनको आराम मिलेगा बेसिकली। इनके जो मैंने बिन पे काम थोपे हुए वो सारे काम इनको करने नहीं पड़ेंगे, मम्मी आ जाएंगे तो। बाकी मेरा काम तो यही रहेगा खाना वाने का, वो तो मैं चलो कर लूंगी, उसमें मेरे को तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, बट हाँ काफी देर तक किचन में खड़ी रहो तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रेस्ट चाहिए होती है। तो चलिए गाइस अभी बना लेती हूँ खाना, देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। पकड़ा जाएगा आप लो तो सही। सो गाइस देखो दिया बना रही है रोटी आज, इसको इसके पापा ने बोला कि आप रोटी सीखो जाके मम्मी से, तो यहाँ आ गई मेरे पास कि मेरे को रोटी बनाना है। कैसे सीखोगे आप, कैसे, हाउ, हाँ देखा, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, लो जहाँ जहाँ से मोटा मोटा है ना वहाँ से ऐसे करो ना, रुक जाओ अभी सूखा आता लगा यहाँ से बेलो, हाँ वेरी गुड, राउंड शेप में करना है ठीक है, बनाओ बनाओ राउंड शेप में बनाओ, शाबाश, बिग बेलन ले लो आप, बिग रूलर दिया, हो गया डन, आपको बड़ा करना है क्या, आप छोटे से भी काम चला सकते हो, चलो अब तवे पे डाल देते हैं इसको, नहीं बन गया, बिग हो गया, ये तो बहुत बिग हो गया, चलो अभी इसको रखेंगे हम, इस पे रख दूं मैं, रखूंगी नहीं, आपके हैंड जल सकते हैं ना, हाँ चलो इसका यूज करेंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक है। अभी कैसे करोगे, अभी ऐसे पकड़ के इसको ऐसे उल्टा देंगे ठीक है, ओके, ये वाली रोटी पापा खाएंगे, कौन खाएगा दिया क्या हाथ की पनीर रोटी, पापा खाएंगे, ये छोटी सी रोटी मैंने बनाई थी, ये छोटी सी रोटी मम्मी ने खाई थी और मैं अब सीखने वाली ये रोटी बनाने के लिए। चलो फोल्ड करो उसको ध्यान से, चलो हाँ अपने हाथों से धीरे धीरे, हाँ इसको दबाओ, इसको प्रेस करते हैं यहाँ से दिया, इसको प्रेस करते हैं ऐसे, फिर ऐसे, देखो दिया की रोटी, वाओ देखो फूलने लगी दिया की रोटी थोड़ी थोड़ी यहाँ से, देखा मेरा का कमाल, कहती देखा मेरा रोटे का कमाल, चलो 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 रोटी बन गई दिया की, अभी ये पापा की रोटी और मैं अपनी रोटी बनाने आई खुद, अभी तो मम्मा ने आटा पूरा ही बना लिया, पहले आते आप एक ही रोटी के जितना आटा था, अभी आप मॉर्निंग में बनाना ओके, मेरी रोटी क्या, हाँ लो अभी इस पे घी लगाओ, लो डब्बे में से घी निकालो, चम्मच से घी निकालो। सो गाइस मैंने यहाँ पर गाजर और मटर की सब्जी बना लिया, उसको फ्राई किया है, इनको बहुत पसंद है दिया के पापा को, थोड़ा और लगाओ बेटा,
तो बस सिंपल सा खाना है। दोपहर में हमने ग्वारफली बनाई थी जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाई थी, मैं कट कर रही थी, एंड अब भी हमने गाजर मटर बनाया है। तो मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है, बस ये हो गया डन, दिया डन। कान्हा जी को भी खिलाना, ठीक है, बस दिया डन बेटा। ज़्यादा घी वाली रोटी पापा नहीं खाएंगे, चलो। तो गाइस बस ये बन गया ना, ये आप खा सकते हो ना, उल्चे फुल्का। तो मैंने आपके लिए बनाया है ना उल्शेप, वो आप खा लेना। आपने ही बोला था मम्मा उल्शेप मैं खाऊंगी, तो मैंने उल्शेप बना दिया। चलो नीचे उतरो अब आप, ये देखो कहाँ खड़ी थी, नीचे उतरो, बाय कर दो सबको। हाँ अपना बेलन ले जाओ, चलो गो गो। तो गाइज कल जो है मेरी मतलब कि लक्ष्मी नहीं आएगी, मैं मेड बोलने वाली थी सॉरी, तो कल लक्ष्मी नहीं आएगी काम करने के लिए। तो मैंने जो थोड़े थोड़े बर्तन जैसे मेरे होते जा रहे थे मैं धोती जा रही हूँ और यहाँ रखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे नहीं करने ना कल सुबह मॉर्निंग में मेरे को। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरा जो 7 मंथ 8 मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा ये पूरा टमी जो है इसको टच करता है, तो मेरे से काम ज़्यादा फिर बर्तन से झुक के धोए भी नहीं जाते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े जो चार दो चार हो रहे हैं दो के यहाँ रखे, ये सूखते जाएंगे और मैं डालती जाऊंगी इनके अंदर रोज में। तो बस कल संडे है इसलिए मैंने इसको छुट्टी दे दी, क्योंकि इसके पापा की भी छुट्टी है ऑफिस की। अगर इसके पापा की छुट्टी ना होती वीकडेज होता तो फिर मैं लक्ष्मी को छुट्टी ना देती, क्योंकि फिर मेरे से सारे काम नहीं होते हैं, इसलिए कल दी कि कल इसके पापा की छुट्टी है, थोड़ा बहुत ही हेल्प करा देंगे। बट हेल्प तो क्या, सिर्फ झाड़ू लगानी है हमको और बर्तन करने हैं, पोछे हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे कल। फिर बस यही है गाइस, अभी हम लोग खा लेंगे खाना, देन अभी मेरे को गाजर पाक भी बनाना है। आप भी आज तो देखो फ्रेश गाजर आई है, यहाँ पर पड़ी है, बस खाना खा के ये वाला दोनों काम करेंगे, रात में मैं गाजर पाक बना लूँ, क्योंकि गाजर पाक ना बनने के बाद जैसे उसको रख दो ना मॉर्निंग में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो गर्म गर्म खाना इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता जितना कि वो बनने के बाद मॉर्निंग में उसको खाओ ना तो वो टेस्टी लगता है। तो बस अभी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बट आई थिंक उस वो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, इस ब्लॉग में ये ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। सो गाइस यहाँ देखो कितनी शिद्दत से काम किया जा रहा है अखबार के ऊपर, दोनों जने कैसे सो रहे हैं देखो, ये बेटी नीचे ये बापू। ऊपर तो देखो, मैं देख लिया देख लिया देख लिया। क्या कर रहे हो दोनों जने, शो मी अभी तो देखो। अच्छा दिए ड्राइंग और आप क्या भर रहे हो, सुडोकू देखो। ये एक एक अखबार में दोनों जने लगे हुए हैं देखो, कोई हाल नहीं है। तो गाइस मेरे वहाँ कपड़े रखे हैं प्रेस करने वाले, बट अभी टाइम हो रहा है 10:30 अब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि वो मैं प्रेस करूँ, कल ही करूँगी मैं। और अभी हम लोग गाजर वगैरह का काम करेंगे, उसको कसने का काम करेंगे अभी हम दोनों, और ग्रेट करके भी रखूँगी मैं, अगर हो सकेगा तो अभी नहीं बनाऊँगी, ग्रेट करके फ्रिज में रख दूँगी, मॉर्निंग में सुबह जल्दी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी कल शेयर करूंगी मैं गाजर के हलवे की। और मैंने उसके लिए क्योंकि ना मेरे पास वो क्या बोलते हैं उसको, खोआ बोलते हैं ना, फिक्का खोया ही बोलते हैं, फिक्का है ना, तो फिक्का खोया जो होते हैं ना मावा बोलते हैं, हाँ वो नहीं था। मैंने ना अभी एक वीक भी नहीं हुआ, 3-4 दिन पहले मंगाया था इनसे मावे वाली मिठाई मंगाई थी कि वो मैं गाजर पाक में डालूंगी, लेकिन दिया ने ना वो खा ली, वैसे वो कभी मिठाई नहीं खाती है, उसने छोटा बॉक्स देख के एक 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 करके उसने खा ली, तो मैंने सोचा चलो खा रही है खाने दो, इतने फिर मेरी गाजर भी ख़त्म होगी, वो थोड़ी सी ऐसे अजीब सी हो गई थी, तो मैंने उसका जूस बना दिया। अब इसलिए मैंने फ्रेश गाजर मंगाई और आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मंगवाया फिक्का मावा, तो इतना लेट से अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो मेरे को रात को 1 बज जाएगा उसको बनाने में, क्योंकि 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है उसको बनने में। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं अभी बनाऊंगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में बनाएंगे, मॉर्निंग में। सो गाइस
तो देखते हैं, चलो मॉर्निंग में बनाएंगे, अभी का मन नहीं है करने का। तो मैं, मेरे को अभी थोड़े से बर्तन करने हैं क्योंकि लक्ष्मी जो है वो कल नहीं आएगी। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि लक्ष्मी मेरी कल नहीं आएगी काम पे, उसको थोड़ा सा कमर वमर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाएगी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो क्योंकि कल इनकी भी छुट्टी है, तो मेरे को मेरी हेल्प हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ज़्यादा काम भी नहीं है, कपड़े मैंने आज धो लिए हैं तो ज़्यादा काम भी नहीं है इतना। और यही थी गाइस न्यूज़, मम्मी पापा आ रहे हैं घर पे 15 दिन बाद। मम्मी पापा भी यहीं होंगे हमारे साथ, आज सैटरडे है तो अगला सैटरडे छोड़ के उसके अगले सैटरडे पे मम्मी पापा यहीं होंगे। तो पापा तो चले जाएंगे मम्मी को छोड़ के, बट मम्मी यहीं रहेंगे। देखते हैं कितने महीने तक मम्मी रुकते हैं, क्योंकि आगे हमारे घर का मुहूर्त भी होना है, जैसे बेबी आ जाएगा उसके 1-1.5-2 महीने बाद हमारे घर का मुहूर्त भी होना है। तो वो तो घर मिलने पर है, डिपेंड करता है कि कब कैसे मिलता है, जो भी होगा। और अभी मैं इसको सुलाऊंगी जल्दी क्योंकि दिन में नहीं सोई है। तो चलो दिया सोएंगे अब बेटा। क्या कर लूं बेटा, सोना है ना, मम्मा को भी नींद आ रही। दिन में आप दोनों ही नहीं सोए हैं, वैसे हम लोग दिन में दोनों सो जाते हैं बट आज हम दोनों ही दिन में नहीं सोए क्योंकि आपको पता है सैटरडे वाले दिन हमको बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि आज मैं हमने कपड़े भी धोए और सैटरडे वाले दिन हमको सब्जियां लानी, धोनी, बाथरूम्स धोने, क्लीन करने, घर की डस्टिंग करनी, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग खाना हमेशा सैटरडे को 3 बज जाते हैं, आज तो हमको 3:30 बज गए थे खाना खाने के लिए। तो खाना खाया फिर 4 बज गए, फिर दिया थोड़ा देर नीचे गई ओनर की घर, देन ये राउंड पे गए, इतने में दिया आई तो 5 बज गए, इसको ट्यूशन भेजा, हम लोग सोए नहीं दोनों, वरना हम लोग 2-2:30 बजे तक खाना खा के राउंड लगा के 3 बजे सो जाते थे बेड पे, 5 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं, बट आज तो सोए नहीं हम लोग। तो बस इसको जल्दी सुला, इसको जल्दी सुलाने के लिए बोल रही हूँ सोने के लिए, ताकि सुबह भी फिर आराम से उठ सके। और जब अगर ये दिन में नहीं सोती है ना तो रात को उठ के रोने लग जाती है, चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, पता नहीं क्यों इसको पेन होता है बॉडी में, क्या होता है समझ में नहीं आता मेरे को, तो ये रात को रोने लगती है। इस चक्कर में मैं इसको दिन में सुलाती हूँ, दिन में अगर ये आधा घंटा भी सो जाती है तो रात को उठ के ये नहीं सोती है, अगर दिन में नहीं सोती तो रात को ये रोती है। और अब देखो मेरी बातें कैसे गौर से सुन रही है कि मम्मी क्या बोल रही है, देखो सुना कैसे सुन रही है। आप रात को उठ के रोते हो पता है आपको, जब आप दिन में नहीं सोते हो तो मेरे को तंग करते हो, मेरी नींद खराब करते हो आप। अभी तो आप कर रहे हो, 2 महीने बाद छोटा बेबी आएगा फिर वो नींद खराब करेगा, है ना। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सब टेक केयर, बाय बाय के लिए। देखो कैसे हो, देखो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय गाइस।